श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के बैनर तले आयोजित रजत जयंती समारोह में संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। कथा विश्राम के बाद संतों का स्वागत किया गया तथा सभी को फूल मालाएं पहनाकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया। सभी ने मंच से कथा के बयान पर प्रसन्नता जाहिर की तो वहीं सभी ने अपने विचार भी रखे। इस दौरान गुरु अमरनाथ दीक्षित जी महाराज का स्वागत किया गया और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। एक बार सभी लोग दोनों भुजाओं को उठाकर बोलेंगे भारत माता की। सभी लोग बोलेंगे जोर से भारत माता की। भारत माता की। श्री राम भूषण समारंभाम श्री वशिष्ठ भवन मध्यमाम श्री राम विलास देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीताराम चरणारविंद मिलंद स्वरूप व्यासपीठ पर विराजमान धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्य परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान माँ भगवती के इस पावन यज्ञ को 7 दिनों तक निरंतर आपके बीच में वैदिक रीति नीति से संपन्न कराने वाले परम आचार्य परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज और झारखंड की पावन भूमि से पधारे हुए पूज्य संत श्री भलारी जी महाराज, आदरणीय श्री गोस्वामी जी एवं समुपस्थित सभी श्रद्धामयी माताओं श्रद्धालु बंधुओं एवं भारत की पावन कथा के विराम सत्र में यह एक छोटा सा विराट संत सम्मेलन जिसके लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं और 7 दिनों तक धैर्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक जो भगवान आशुतोष शिव और भगवती पार्वती का मंगलमय दिव्य स्वरूप है भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम् के रूप में जो आप लोगों ने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से श्रवण किया है उसके फलस्वरूप यह पावन सम्मेलन हमारे बीच परम पूज्य भीम त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारने का प्रयत्न करें। बहुत ही अच्छे कथावाचक है। शांति है शांति है शांति है। और विश्व में शांति स्थापित हो इसीलिए सभी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और मुरादाबाद की इस धरती पर आज आप लोगों ने ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ दोनों किया कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उससे पहले श्री परिवार के क्या पीठाधीश्वर जी ने कहा कि आज लग रहा है कि साक्षात इनके दादा गुरु कर्पाती जी महाराज ही श्री कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि आज आपके सम्मुख ज्ञान के दिव्य मूर्ति वशिष्ठ पीठाधीश्वर डॉक्टर वेदांति जी महाराज उपस्थित होकर श्री कथा सुना रहे हैं। ये आपका परम सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि अंतिम दिन कथा सुनने को मुझे मिली। अभी कुछ देर पहले पूर्व के वक्ता ने कहा कि संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में कुछ कहा, 2 शब्द मैं उस संबंध में कहना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे। अर्जुन सब कुछ छोड़कर धर्म को त्याग कर संन्यास धर्म ग्रहण करना चाह रहे थे, भिक्षा का अन्न खाकर अपना जीवन निर्वाह करना चाह रहे थे,
उस समय विकट परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया। इस अवसर पर महाराज जी ने कहा कि सभी को धर्म की रक्षा करनी चाहिए और धर्म को बचाने के प्रण लेना चाहिए। झारखंड में आए पालाहारी बाबा का भी स्वागत किया गया। इस दौरान बाबा पालाहारी महाराज ने आश्रम का महत्व समझाया और कहा कि सभी का अपना अपना वक्त होता है और सभी फ्लो की इच्छा का त्याग करके ही जो कार्य किया जाता है उसे ही भक्ति कहते हैं। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों का भी स्वागत हुआ जिन्होंने अपने विचार रखे और कथा के बखान पर प्रसन्नता जाहिर की। मैं अभी इसलिए छोटा हूँ, संन्यास आश्रम मुझसे श्रेष्ठ है। आज जितनी सुंदर कथाएं महाराज जी ने सुनाई उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। आज जो समाज की आवश्यकता है वह है धर्म का पालन। मैंने एक बार पुनः आपसे ये कहना चाहूँगा कि धर्म पालन तो सभी करते हैं, सब लोग धार्मिक हैं। जैसे नित्य प्रति आप लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, ये सब धर्म का पालन है, आप लोग धार्मिक हैं। दूसरी और इसमें एक विशेषता आप लाएं कि धर्म का पोषण भी करें। जैसे कोई पौधा आप लाते हैं तो पौधा को रोज पानी खाद देना पड़ेगा, शीत और गर्मी से उसको बचाना पड़ेगा। तो ये उसमें और विशेषता लाएं कि धर्म का पोषण भी करें। तीसरी चीज जो आज अत्यंत आवश्यक है, महाराज जी ने भी उसके बारे में बताया कि धर्म का रक्षण। भगवान स्वयं भी जब भी मानव रूप में अवतार लेते हैं, कृपा नहीं है क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। प्रभु की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त हो ही नहीं सकता। पूज्य महाराष्ट्री जैसे संत यदि मुरादाबाद की भूमि पर आए हैं तो यह हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसको कोई छोटी मोटी कृपा मत समझिएगा। मैं एक चीज हमेशा कहा करता हूं कि यदि राम दया दिखला दे तो फिर संत मिलन हो जाता है। यदि राम दया दिखला दे तो फिर संत मिलन हो जाता है, और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है, भगवंत मिलन हो जाता है। तो ये प्रभु की कृपा से सब कुछ हमको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर सभी को सम्मानित किया गया, साथ ही सभी ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मंच पर देश प्रेम की चिंगारी भी दिखी, जहां पर देश के प्रति सभी को देश की भक्ति बताई गई। इसलिए भारत के कानून का पालन करना हम सब लोगों का धर्म है। भारत के कानून का पालन करना हम सब लोगों का धर्म है। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, चलते चलते बताना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं इस देश के अंदर जो नहीं हुआ था 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो भी लोग अटकल लगा रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में भारत का राष्ट्रपति यदि हिंदू है तो वहां का नागरिक नहीं हो सकता था, वहां पर मकान दुकान जमीन नहीं खरीद सकता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके लिए बलिदान हुए, इसके लिए हम लोग लड़ रहे थे 70 वर्षों तक लगातार लड़ते रहे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 370 धारा समाप्त होगी, लेकिन मैं आज धन्यवाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि 5 अगस्त को उस काला कानून को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया, सदा सदा के लिए खत्म किया। हमारे देश की मुस्लिम महिलाओं को विवाह के बाद 3 बार तलाक 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 करके लोग छोड़ देते थे, दर दर भटकती थी, दर दर घूमती थी,
विश्व के किसी भी देश में तीन तलाक की प्रथा नहीं है। तीन तलाक की प्रथा केवल भारत में है, जिसको नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कानून बनाकर कलम की नोक से तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमारे देश का हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में मिलकर भारत के वैभव को बढ़ाना चाहता था, लेकिन 70 वर्षों तक सरकारों ने भारत के हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया, जिसका परिणाम हुआ कि कोर्ट भी निर्णय नहीं दे पाई। लेकिन कोर्ट ने भी 40 दिनों के अंदर 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्णय दे करके सारे संसार के लोगों को संतुष्ट किया है।